भारत सरकार ने हाल ही में 3 प्रतिष्ठित लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की है, जिसमें चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन का नाम मुख्यतः शामिल है। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूँ आपके साथ अजीत कुमार। भारत सरकार के इस भारत रत्न की घोषणा के बाद विशेष तौर पर अगर हम बात करें एमएस स्वामीनाथन की, जो कृषि क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनको भारत रत्न देने की घोषणा के बाद कृषि जगत में एक विशेष तौर पर लोगों में खुशी और हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। बात अगर हम करें दिल्ली देहात की, तो जोंती गांव दिल्ली का एक वो गांव है जहां पर उन्होंने अपनी एक कृषि में नई शुरुआत की। आज भी जोंती गांव के लोग स्वामीनाथन को भुला नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है कि इस घोषणा के बाद जोंती गांव का लोगों को जो उनके प्रति जो जुड़ाव है वो भारत सरकार का धन्यवाद करते हुए नहीं थक रहे हैं। आपको बताते हैं हम आपको इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से जोंती गांव और आसपास के लोग स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया है और किस तरीके से वो भारत सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। भारत सरकार ने हाल ही में 3 प्रतिष्ठित चेहरों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। इन नाम में हरित क्रांति के जनक और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का नाम भी मुख्य रूप से शामिल है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन वो नाम है जिसे इन सम्मान से सम्मानित किए जाने के बाद हर कोई उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना कर रहा है। विशेष तौर पर दिल्ली देहात से जुड़े लोग कृषि क्षेत्र में उनके योगदान को आज भी याद करते हैं। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के निधन के बाद दिल्ली का एक गांव उन्हें आज भी शिद्दत से याद करता है। बहुत 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 खुशी है, बहुत बहुत खुशी। इसने तो हमारा गांव के देश बना दिया, और जो है देश को अनाज से ठंडा भर दिया। देश में इतना अनाज पैदा कर दिया, ये स्वामीनाथन की मेहरबानी है। वो जी हमारे गांव हम आगे थे बीज के लिए, उत्पादन के लिए, और जो है हमारे गांव ने उनको बड़ी वो खुशी से जो है उनका आदर किया, और जो है उनके चलाए रास्ते पर जो है गांव चलता रहा। दरअसल दिल्ली का जोंती गांव, जहां 60 के दशक में डॉक्टर स्वामीनाथन ने प्रवेश किया और उसके बाद वहां पर कृषि क्षेत्र में ना केवल एक नई पैदावार देखने को मिली बल्कि पैदावार में बढ़ोतरी भी दिखाई। लोगों के मुताबिक गांव वालों से उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि आप खेती से इतने संपन्न हो कि गांव के हर घर के बाहर कार खड़ी हो। दिल्ली के इस गांव में डॉक्टर स्वामीनाथन और इंदिरा गांधी का भी रिश्ता रहा है। ऐसा माना जाता है कि करीब 10,000 की आबादी वाला ये गांव हरित क्रांति की शुरुआत करने वाला पहला गांव है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने यहाँ पर 1967 में एक बीज शोधालय की शुरुआत में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, जहाँ से लाखों किसानों को हरित क्रांति के दौरान गेहूं के बीज दिए गए। इस बीज शोधालय का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था। हालांकि उस स्थान पर इस समय स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक डिस्पेंसरी संचालित की जा रही है। वो शुरू में जो है पूसा इंस्टीट्यूट के डायरेक्ट हुआ करते थे, और वहाँ जो भी रिसर्च होती थी नई किस्मों की वो यहाँ आके डेमोंस्ट्रेशन करवाते थे, डेमोंस्ट्रेशन लगाते थे। यहाँ तो उनका बहुत बड़ा लगाव था जोंती विलेज के साथ, खासकर हमारे दादाजी के साथ, क्योंकि वो आते थे तो उनके साथ वो लगे रहते थे हमेशा खेतों में, या फिर उनके आओ भगत के लिए भी वो हमेशा आतुर रहते थे आगे। मैं उस समय मेरे ख्याल 13-14 वर्ष का हुआ, तब से मैं देखता था वो आते थे गाड़ी में, यहाँ गाड़ी रुकती थी आगे और सीधे घर पे चले आते थे। तो 60 के दशक के बाद जो है, मतलब 62-63 के आसपास उनकी फ्रिक्वेंटली विजिट होती थी। उनका इधर था जी, पुराने रिश्ते का थी, उससे कुछ समझ मामन ने उसकी कमाई उठी बनाई, सोसाइटी बनाई, वहाँ लग गए।
उनका इच्छा लगा हो गया था जैसा अपना घर, हमारा काम इतना प्यारा हो गया था जब अपना घर लग गए। बिल्कुल। और कृषि विज्ञान का सब तो पहले दवा होता है, लेकिन भगवान की करनी, भाई जब कांग्रेस का राज था रख रहा किए था ये तो उनका तो भगवान ने थे कृषि के। अच्छा आपको बता दें कि जोंती गांव से ही उन्होंने एक नई पैदावार की शुरुआत की, जिसके बाद जोंती गांव के लोगों में जो कृषि जगत में जो नया क्रांति आया और कहीं ना कहीं यहां पर जो फसलों में जो पैदावार हुई उसको लेकर के, उनकी तकनीकों को लेकर के आज भी जो एम एस स्वामीनाथन हैं लोगों के दिलों में जिंदा हैं। और उस समय के ज़माने में जिस तरीके से उन्होंने जोंती गाँव में कृषि जगत में जो सुधार किया वो यहाँ के लोग भूला नहीं पाते हैं। और शायद इसी का परिणाम है कि हर तरह लोग, चाहे वो आम कृषि हो, कृषि वैज्ञानिक हो या जोंती गांव के आम नागरिक हो, सभी लोग इस फैसले से खुश होकर स्वामीनाथन के प्रति अपना आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। गांववासियों का कहना है कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने 1964 में बीज दिए और उन्होंने अपने खेत में गेहूं की बंपर पैदावार करके किसानों के बीच भरोसा पैदा किया था। जोंती गाँव के किसान के मुताबिक जब भी स्वामीनाथन जी आते थे तो वे घर के सदस्य की तरह रहते थे। यही वजह है कि आज भी इस गांव में बढ़ चढ़कर न केवल लोग खेती करते हैं बल्कि उन्हें याद भी करते हैं। अलग 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 किस्मों की जो पैदावार जो बढ़ी और किसानों के पास जो गेहूं पैदा होके जो बीज के लिए आया तो वो सेल भी करते थे। फिर बाहर अधिकतर लोग जो है पंजाब के यहाँ से परचेज करने आते थे, तो सीड से ही पब्लिसिटी हुई है ज़्यादा। गांव वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशी है, कब खुशी की बात है, मतलब ऐसे देवता आदमी को जो है उन्होंने अवार्ड दिया है। क्या कहेंगे, ये तो बहुत पहले मिलना चाहिए था उनको। मैं स्वामीनाथन डॉक्टर साहब का जोंती और टटेसर गांव से बहुत पुराने समय से उनका रिश्ता रहा है। वो हमारे, हम तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे, 1966 के आसपास जब हमारा देश गेहूं के उत्पादन में बहुत ही पीछे था और हमारे देश भूखमरी के कगार पर था, उन्होंने एक मोरक्को से एक नई वैरायटी हमारे गांव में, हमारे आसपास, उन्होंने एक हमारे यहाँ एक जागरूकता पैदा की और उसको फील्ड पे दिखाया गया। और उसी दौरान जो जो किसान हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे दिल्ली देहात के, उन्होंने उस नई वैरायटी को अपनाया। उस नई वैरायटी उनको अपनाने से हमारे इलाके में धीरे धीरे उसका वैरायटी का इतना उत्पादन हुआ कि पहले से 3 गुना 4 गुना। भारत रत्न की जो प्रक्रिया है पूरे उत्तर भारत में पूरी खुशी की लहर है। जो किसान वर्ग हमारा उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, पूरे उसमें किसानों का सम्मान है और किसान वर्ग जो है बहुत ही आशातीत, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जो आप बात करें, हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं इस जगह पर एम एस स्वामीनाथन आए थे और ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये जो इनके जो एक लड़के ने यहाँ पे एक बाल हाथ में लेके पत्रिका में भी आया था और हमारे वैज्ञानिक साहब हैं, तो इस पॉइंट पर जाम खड़े, इसी पॉइंट पर हमें स्वामीनाथन आए थे और यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी कृषि की, यहीं बीज का इन्होंने प्रदर्शन किया था और बहुत सी प्रदर्शनी भी होती। और उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी स्वयं किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर यहाँ पर इस तरह के कैंप भी लगाए।